सबसे पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि इस समय दो सबसे बड़े लेबल्स बंटा रिकॉर्ड्स और कलमकार एक दूसरे से भिड़ने जा रहे हैं, तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं जो हमारे स्ट्रगल है, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं अपना कंटेंट डाल के। क्योंकि जब पिछली बार भी इन दो के बीच में लड़ाई हुई थी एमवे और रफ्तार के बीच में, तो उस समय भी एक छोटे से जो छोटे आर्टिस्ट थे वो भी ग्रो हुए थे, उन्होंने अपना एक फ़ैन बेस बना लिया था। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है ब्रो, आपको भी इस पर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इस समय भिड़ने वालों से ज़्यादा गर्म पब्लिक रहती है, तो इसका पूरा फ़ायदा उठा। और यार इन्जॉय करो, डिस ट्रैक आएंगे इस पर बहुत सारे क्योंकि अभी इनका स्टार्ट होने वाला है, तो इन्जॉय करो, किसी से हेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस स्किल देखो उनकी कि वो क्या किस तरह से अपने आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अगर किसी को अपने गाने के लिए बीट चाहिए या मिक्सिंग मास्टरिंग करानी हो, मुझे इंस्टा पे मैसेज करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले मेलोडी के लिए मैंने इस पर फ्लूट यूज़ करा है, फ्लूट भी कई टाइप के होते हैं, पर मैंने एक ऐसा फ्लूट ट्राई करा है जिसके आप सुन के लग जाए कि हाँ यार एक डार्क वाइब दे रहा है, सुन के ही आपको पता चल जाता है कि ये साउंड आपको किस तरह की वाइब देने वाला है, तो सुनिए। सेकंड साउंड मैंने मेलोडी के लिए यूज़ करा है वो एक पियानो की साउंड है, पियानो की मैंने कॉर्ड यूज़ करी है। तो ये क्या करती है, ये एक तो ये लो फ्रिक्वेंसी को कवर अप कर देती है, उसके साथ ही ये जैसे डार्क वाइब होती है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है जो उसकी कॉर्ड होती है नीचे की, तो मैंने वो यूज़ करी है, सुनिए। तो इसके बाद जो मैंने तीसरी साउंड यूज़ करी है वो मैंने दो साउंड की लेयर करी है, क्या कौन कौन सी, एक तो मैंने की ट्रम्पेट की और एक की ब्रास की, ये दोनों मिलके हाई फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी अच्छे से भर देती है और एक स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग, मतलब एक एग्रेसिव सी फीलिंग है आपको इसकी मेलोडीज आपको देती है, तो इसलिए मैंने थर्ड मेलोडी में इसको यूज़ करा है, सुनिए। इसके बाद मैं आपको ड्रम किट सुनाता हूँ, इस पर मैंने किक, हाई हैट्स, हेड्स, ओपन हैट्स और 808 और एक प्रिकॉशन यूज़ करा है और एक एफेक्ट्स यूज़ करा है, आपको पूरा सुनाता हूँ, सुनिए।